बदई अमावस्या में मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी परिक्रमा करने पहुंचे लाखों श्रद्धालु जय श्री राम जय कामतानाथ के लगे जयकारे। भाद्रपद की अमावस्या के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे हैं, जहां श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाई है। आपको बता दें कि भाद्रपद की अमावस्या के दिन सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। साथ ही इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ इत्यादि कर्म करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या और कुछ ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद की अमावस्या से ही लोग साल भर होने वाले शुभ कार्यों के लिए कुछ को आज ही के दिन जल में भिगोकर उसे रख लेते हैं और शुभ कार्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये भाद्रपद अमावस्या है, ये कुशहारिणी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, इसकी प्रसिद्धि है क्योंकि आज के दिन पुरोहितगण सभी लोग कुशा निकालते हैं और वो कुश के माध्यम से वर्ष पर्यंत जो भी पूजन कार्य होते हैं उनको संपादित किया जाता है। बिना कुशा के कोई भी पूजन कार्य संभव नहीं होता, जैसा कि इसका आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा महत्व है। जिस जल में कुशा को डाल दिया जाता है वो कुशा पवित्र हो जाता है। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, लौकिक पारलौकिक हर दृष्टिकोण से कुशा का महत्व बहुत अधिक है। ठीक इसी प्रकार से आज की अमावस्या कुशहारिणी अमावस्या है, इस कारण भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और ये दूसरी दीपावली कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दीपावली के पश्चात अधिकतम श्रद्धालुओं की संख्या इसी अमावस्या पर चित्रकूट में पधारती है, माँ मंदाकिनी में स्नान करती है, कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा, मद्गिरिनाथ जी का अभिषेक आदि आदि करके वो जो है यहाँ से प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री अलखन सिंह, तुलसीदास जी को भी यहीं पर राम घाट में ही चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन भी से तिलक देत रख दी, यहीं पर अमावस्या के दिन ही उनको दर्शन हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, क्योंकि भगवान यहाँ से कभी भी नहीं जाते हैं। तुलसीदास जी बेचारे सारे तीर्थों में रहे, वृंदावन काशी अयोध्या आदि आदि, लेकिन अंत में हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि कलयुग है, सारी दैवी शक्तियों का लोप हो चुका है, एकमात्र चित्रकूट में ही आपको प्रभु श्री राम का दर्शन सुलभ हो सकता है। तो यहीं पर भगवान राम का दर्शन तुलसीदास जी को हुआ। उसी परंपरा से लोग यहाँ पर जनता जनार्दन श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारती है। भाद्रपद की अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या, जिले प्रशासन द्वारा ये बहुत खास अमावस्या होती है। चित्रकूट में अमावस्या का बहुत विशेष महत्व है क्योंकि तुलसीदास जी को भी भगवान का दर्शन अमावस्या का दिन हुआ था। तो आज ही हमारे वेद पुराण संत कहते हैं कि अमावस्या के दिन भगवान स्वयं यहाँ स्नान करने आते हैं, इसलिए तो अमावस्या तो हर महीने पड़ती है, लेकिन जो कुछ अमावस्या है जैसे भदई की अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, दीपावली की अमावस्या है, तो इसमें बहुत विशेष पर्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन स्नान करने से चित्रकूट में कामतानाथ जी से परिक्रमा लगाने से सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और मंदाकिनी में स्नान करने से हर धर काम मोक्ष मिलता है और उनकी जो है जो पूरी कष्ट बाधाएं हैं, जो रोग हैं और जो लोगों की असंतुष्टिजनक जो है बाधाएं वो यहाँ पर दूर होती है। मंदाकिनी में यहाँ पर आज जो है लाखों लोग आए हैं, मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं, कामतानाथ जी में परिक्रमा लगा रहे हैं, बद्रीनाथ जी को जल चढ़ा रहे हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। और इस भदई अमावस्या में खास बात ये है, इस अमावस्या को जो श्रद्धालु हैं वो ज़्यादातर अपने घर से पैदल यात्रा करते हैं, तो इस अमावस्या में आपको ये खास मिलेगा कि पैदल यात्रा जो है वो इस अमावस्या को ज़्यादा होती है। और इस अमावस्या में पैदल यात्रा घर से लोग करके चित्रकूट आकर मंदाकिनी में स्नान करते हैं, कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाते हैं। मेरा नाम नाम है। कहाँ से आए हैं? छतरपुर से। ये बताइए कौन सी अमावस्या है, इसका क्या महत्व है? पितरवाली अमावस्या कहलाती है। इसमें जो है तो जो अपने पूर्वज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, माता पिता उनके लिए जो एक माह सेवा करना पड़ती है, पानी देना पड़ता है, जल देना पड़ता है, ऐसा है भाई साहब। तो कितनी बड़ी अमावस्या मानी जाती है ये? बहुत बड़ी अमावस्या है, सबसे अच्छी दान करने वाली अमावस्या है। इस बार में आपको क्या अलग दिखाई दिए पिछले हर अमावस्या से प्रशासन के? जी, प्रशासन के इंतजाम क्या नजर आ रहा है इस बार? प्रशासन का बढ़िया इंतजाम है, यहाँ पूरी हर जगह हर चौराहे पुलिस लगी है, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्था है।
कोई दिक्कत नहीं है। ये भीड़ का जो हमारा आकलन है लगभग उसी प्रकार से भीड़ का आगमन हो रहा है, किंतु सुव्यवस्थित पार्किंग और लोगों के आवागमन को लेकर के अलग अलग मार्ग निर्धारित हैं, जिसकी वजह से भीड़ जो है इकट्ठा जो है नहीं हो पा रही है और लोग सुचारू रूप से स्नान करके भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा करके और सुगमता से अपने घरों की ओर लौटते हैं। इस व्यवस्था के दृष्टिगत 7 जोन और 18 सेक्टर में पूरा मेला क्षेत्र बटा हुआ है, जिसमें पर्याप्त पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है और साथ ही साथ जो है इस बार पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है उससे बहुत सुगमता। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।